गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज सौम्य शर्मा व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे एंड दिवाली वीक को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो आज है धनतेरस। धनतेरस मतलब दिवाली से, छोटी दिवाली से एक दिन पहले आता है। कल छोटी दिवाली है, धन दिवाली है। तो गाइस सबसे पहले तो धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को और आपकी फैमिली को, और माता रानी आपके ऊपर आशीर्वाद बना के रखें। तो ये देखो, अभी मैं कपड़े लेकर आई हूँ फैलाने के लिए। ये शाम हो चुकी है तो इसको यहीं फैला देंगे, क्योंकि रात में वरना फिर वो वहाँ पड़े रहेंगे। और ये देखो, यहाँ सफाई चल रही है, मिस्त्री सफाई कर रही है। दिवाली वीक है ना यार, सफाई तो करनी ज़रूरी है घर में। तो अभी छत का जिम्मा मिस्त्री ने संभाला है। क्या मेरी हालत ख़राब हो गई, मैं एक घंटे से लगी हुई हूँ। हाँ देखो, पूरी छत क्लीन कर रही है यार वो। यहाँ तो देखो क्लीन भी कर दिया। यहाँ ये पत्तियाँ हैं ना, ये बहुत आगे गिर जाती हैं, तो इस वजह से देखो धूल लग रही है ना। नीचे जाओ, नीचे नो, बट यहीं बैठा हुआ है। नो, बहन की गंदी बात होती है, इधर आओ, नीचे जाओ। कम आ जाओ मेरा बच्चा, वेरी गुड। सो मेरी बात, इसे अपने साथ नीचे ले जाओ, वरना ये पूरा कूड़ा इधर उधर करेगा। तो नीचे चलेगा, मैं ऊपर काम करने के लिए आई हूँ, आ जा। गाइज मैं तो ऐसी व्लॉग शूट कर रही थी, वीडियोस बना रही थी अपनी, बट मैंने देखा कि ये क्या कर रही है ना, कुछ कर रही है। मिस्ट्री, मिस्ट्री क्या है ये यार? ये तो यार, ये मैं ऐसी कर रही थी, वो एकदम से टूट गया। शिट, झाड़ू वाड़ू लग गई क्या? नहीं, बस मैं इसे ऐसे खींच के ऐसे दबेगी। और करो पेड़ों के पीछे सफाई, मना कर रहे थे यार। ऑब्वियसली यार, गमला बनाना हो रहा है, ये और जाएगा अभी, मत कर। नहीं गया, मैं आपका नाम लगा दूंगी। अरे जबरदस्ती, ये क्या बात है? देखो देखो, मेरे लिए इतना नहीं करोगी ना? ये बताएंगे मामा को कि आप फील बता रही हैं। वाह यार, मैं नहीं जानती, मैंने नहीं किया। अब मम्मा का डायलॉग होगा कि तुम बच्चे मेरे गमलों के पीछे पड़े हुए हो। यार आप देखो, अपने आप पे ले लेना इल्जाम यार। बट ये क्या ही किया तूने, अब और किसी गमले को मत करियो। तो फिर सफाई कैसे होगी? ऐसी बाहर बाहर से कर लेना। हाँ, फिर दिवाली पे ही तो सफाई होती है यार। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि सिर्फ दिवाली पे ही सफाई होती है? दिवाली में तो की जाती है ना, फिर पता नहीं आप कब करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है मम्मा, बहुत ध्यान रखती है अपने पेड़ों का, वो आके कर ही देंगी। यार ये गंदा बहुत जल्दी हो जाता है ना, यहाँ पानी डालो तो सारी मिट्टी निकल आती है। देखो मेरी टोपी छोड़ती लग रही है। ओ देखा, ओ शिट, ठीक है फूआ, अबे कुछ लगा ले यार। हाँ वो लगा लूंगा, नहीं रुक जा, पहले नहीं नहीं मैं पानी से वॉश कर लूंगी। ऐसे वॉश करने से कुछ नहीं होता है, कितना बड़ा फिर भी, तब भी यार अभी साफ सफाई गमले से लगा या फिर किसी लोहे वोहे की चीज से? गमले से ही लगाया, वो फाटे वाला तुम्हारा का पेड़ उससे लग गया। देखो मम्मा के सामने आप लोगी अपने आप के इल्जाम, मम्मा को बतानी नहीं, मम्मा को पता नहीं चलेगा। और मैंने ऊपर से वीडियो और बना ली। और देखो हम नहीं बताएंगे तो मम्मा फिर खुद आके देख लेंगी दो दिन बाद, फिर दिवाली वाले दिन डांट पड़ेगी उससे। आज ही बता देंगे। मम्मा अपने पेड़ों को लेकर बहुत पोजेसिव है, और पता नहीं क्यों हमारे साथ ही ऐसा, इतनी बुरी किस्मत है कि पेड़ों के साथ ब्लंडर होता है यार, पता नहीं क्या है। पहले पैंथी से हुआ था, अगर आपने हमारी पहले वीडियो देखी हो तो पैंथी ने भी करा था। पैंथी तो कुछ ना कुछ उनके पेड़ों के साथ करता ही रहता है, पता नहीं उसकी बेचारी की किस्मत खराब है या पेड़ों की किस्मत इतनी खराब है कि उससे टकरा कर ही टूट जाते हैं। बट अब तो ये हो गया है, अब सॉरी बोल देंगे यार, मान जाएंगी। अब क्या जान लेंगे क्या गमला तोड़ने पे? मान जाएंगी। मिस्सी, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बहन संभल के अब ये उल्टा घुमा के रख दूँ, मम्मा को पता नहीं चलेगा। अरे नहीं यार, बता तो देंगे, ऐसा तो गलत बात हो गई ना, ये तो धोखा हो गया, धोखा नहीं करते हम। हैं? आप अपने आप ले, मैं ले लूंगी। मेरे से बोल दियो कि मैं वो रील बना रही थी तो टूट गया। बहुत रील बंद हो जाएगा। मैं झाड़ू लगा रही थी तो टूट गया ना।
हम लोग लड़ाई कर रहे थे, तू झाड़ू लगाएगी कि मैं झाड़ू लगाऊंगी, तो झाड़ू खींचने के चक्कर में झाड़ू उधर जाके घुस गई। मैं सीधा कैसे शूट करने में कितना अच्छा आता है, रोलर कोस्टर वाला मजा। हमारी मिस्टर मैडम सफाई करते हुए, क्या क्यों मिस्टर और कोई पेड़ नहीं तोड़ना है? नहीं प्लास्टिक के हैं। मैं थक गई, मैं कह रही हूँ ना मैं झाड़ू लगा देती हूँ तो तू मान नहीं रही है। आज ना दूंगी, आ चुकी हूँ, कह रही हूँ मैं काम कर देती हूँ तो मैं कर दूंगी सही में। पहले उठ जाओ। अरे कसम से मैं लगा दूंगी, थक जाएगी और ज्यादा, अभी और भी काम है, नीचे का मैंने निपटा दिया। क्या हो रहा है लाडो के साथ? कुछ नहीं। क्या बता रहा है तू उसको? सीक्रेट बात है। क्या सीक्रेट बात है? कोई है बता तो दे। कोई है? हाँ कोई तो। क्या हो गया? मास्क भूल गए यार। दो मिनट दो मिनट दो मिनट गाइस, बाहर तो निकल गए थे बट मास्क लगाना भूल गए थे, तो मिस्टर ने याद दिलाया, फटाफट लेकर चलते हैं। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी मार्केट, और धनतेरस की जो भी शॉपिंग होगी वो करेंगे। ये रही मम्मा, से हेलो मम्मा। हाय। अंधेरा होता जा रहा है यार, बैक कैमरे से शूट कर लेंगे है ना। मार्केट कितना अच्छा सजा हुआ है ना, इधर शोर में तो आवाज भी नहीं आएगी। रखी है मार्केट में बहुत ज्यादा, देखो आप मेरे पीछे देख सकते हो कितनी ज्यादा भीड़ हो रही है, और कोई भी मास्क नहीं लगाया हुआ है, वो तो हमें भी इसी ने याद दिला दिया है ना, हड़काया हमें कि मास्क लगा के रहो क्योंकि कोरोना अभी भी फैल रहा है। हम भी लगाएंगे, हमारा ही घर रह रहा है अभी, हम कल लगाएंगे, कल तक लगा देंगे यार। मम्मी थक गई मैं तो। हाँ बैठी जाओ अंदर अंदर, चलो अंदर। हाँ मेरा बच्चा, हाँ ये सामान रख। ओके बस 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 बस, मेरा गुड्डू। गाइस फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं, कुछ भी शॉपिंग नहीं हो पाई, इतनी भीड़ थी ना वो देखो पियो मम्मी। लेकिन हम जरूरी सामान तो ले ही आए ना, जो आज शगुन होता है। हाँ वो सब तो हम ले आए, हाँ सब कुछ आ गया है, और वो देखो हम पीछे देखो क्या हो रहा है। इन्हें पता नहीं है तो कैमरा, अच्छा है कि इन लोगों को छोड़ के कहते हैं, ये भी गए थे ना, हालत खराब हो जाती बिल्कुल। बहुत ज्यादा भीड़ थी, मतलब की बहुत ही, मतलब की एक एक शॉप पे इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, वैसे तो सामान देख ही नहीं पा रहे थे। हाँ हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या देखें, सीरियसली।